क्लास टेंथ, गुड मॉर्निंग। कैसा चल रहा है सब कुछ? स्टडी कर रहे हो जम के? आज का टॉपिक देख रहे हो आप, सिमिलर ट्रायंगल कंसेप्ट आ गया। सिमिलर आपने नाइन्थ में पढ़ा था ना, कॉन्ग्रेंट, ठीक है। इसको यूं हटा दो, हो गया सिमिलर। तो सिमिलर क्या होता है, कॉन्ग्रेंट क्या होता है? जैसे मान लो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है ना, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है, इसको उठा के इस पे रख दोगे, कंप्लीट ओवरलैप कर लेगा, पूरी तरह से ढक लेगा ना, तो इसको बोलते हैं कॉन्ग्रेंट। सिमिलर अलग ही है, ये देखो ये सिमिलर है ना, इसका मतलब ये थोड़े ना कॉन्ग्रेंट है। कॉन्ग्रेंट में क्या होता था, एंगल्स आर इक्वल, साइड आर इक्वल एज वेल, है ना, सारी चीज कुछ भी नहीं, सब बराबर। यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, सिर्फ एंगल्स इक्वल होता है। जैसे अगर मैं कहूँ ना, कभी कभी किसी बच्चे को बोलते हैं ना, बोलते हैं कि फादर की तरह दिखता है, तो इसका मतलब ये सिमिलर है। अदरवाइज देखो तो और कुछ कॉमन नहीं है, फादर का एज देखो, बच्चे का एज देखो, एक्सपीरियंस देखो। लेकिन दो जुड़वा भाई हो या ट्विन सिस्टर हो, उसके बारे में हम कह सकते हैं कि ये कॉन्ग्रेंट है, देखने में एक जैसा है, ना बोलने का तरीका एक जैसा है, हाइट एक जैसा, एज एक जैसा, तो उनको हम बोल सकते हैं कॉन्ग्रेंट, ठीक है। सिमिलर जैसे दो, एक सर्कल है ये और एक सर्कल ये, इस सर्कल कॉन्ग्रेंट दिख रहा है क्या? इसका रेडियस इतना है, इसका रेडियस इतना है, कॉन्ग्रेंट है नहीं, पर ये दोनों के दोनों क्या है, सिमिलर है, ठीक है। ये देख लो स्क्वायर है और स्क्वायर है, मान लो क्या है, सिमिलर है। ये रेक्टेंगल है और ये भी रेक्टेंगल है, क्या है, देखने में एक जैसा हो सकता है, इसको ऐसे रख दो तो ये देखने में एक जैसा दिखाई देगा, ठीक है, क्या ये सिमिलर है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर मैं ये देखो, ये क्या है, 60 60 60, इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो ये क्या है, सिमिलर है। पर आप देख रहे हो, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल इतना बड़ा लिया, इक्विलैटरल ट्रायंगल एक छोटा वाला लिया, दोनों सिमिलर है। पर कॉन्ग्रेंट कभी भी हो सकता है क्या? कॉन्ग्रेंट में साइड भी इक्वल होना चाहिए, यहाँ पे साइड देख रहे हो अलग अलग है, तो सिमिलर का ये कंसेप्ट है। उस पर क्वेश्चंस हैं, तो क्वेश्चंस तक जाने से पहले आपको एक थ्योरम से गुजरना होगा, जिसको कहते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, है ना, बेसिक लिटी थ्योरम। यहीं से कई सारी प्रॉपर्टीज आई सिमिलर ट्रायंगल के, ठीक है। सिमिलर ट्रायंगल का प्रॉपर्टी यहीं से आता है, सिमिलर ट्रायंगल में कुछ भी आप जो पढ़ते हो ना, वो यहीं से आते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इसको बोलते हैं BPT, है ना, शॉर्ट नेम। इसको बोलते हैं थेल्स थ्योरम, जानते हो थेल्स थ्योरम, उसी भाई साहब का नाम होगा जिन्होंने ये कंसेप्ट दिया होगा, थेल्स थ्योरम, ठीक है। अब वो थेल्स थ्योरम क्या है ना, कि जैसे मान लो ये देखो, ये एक ट्रायंगल है, मान लो कि ट्रायंगल ही है, और यहाँ पे एक इस तरीके से एक पैरेलल लाइन DE, ये और ये लाइन पैरेलल है, तो AD/DB इक्वल टू AE/EC, है ना। बाद में यही प्रॉपर्टी सिमिलर ट्रायंगल का प्रॉपर्टी बन जाता है, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। अब इसको प्रूव कैसे करेंगे, बड़े ध्यान से सुन लो। तो मेरा पहला जो थ्योरम है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, BPT, थेल्स थ्योरम, आप अपने बुक से देख लोगे, ठीक है ना, क्लियर है कि DE, ठीक है ना, पैरेलल टू द थर्ड साइड ऑफ अ ट्रायंगल, है ना, तो प्रूव दैट करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, ये आपको प्रूव करना है, थेल्स थ्योरम। तो बुक से देख के लिख लोगे ना क्या था थेल्स थ्योरम, मैं इसको प्रूव कर देता हूँ। तो पहला जो थ्योरम मैं प्रूव करने वाला हूँ, उसको बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। आप देख रहे हो ये पट्टी दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये पट्टी, यहाँ पे ये पट्टी, ये मैंने बाउंड्री फिक्स किया हुआ है कि इसके अंदर ही लिखना है, उसके बाहर लिखूंगा तो विजिबल रेंज से बाहर चला जाएगा, आपके स्क्रीन से बाहर चला जाएगा, ठीक है। आपको पता है मैं बहुत होशियार हूँ बचपन से ही, तो ये आइडिया मैंने लिया है बहुत तगड़ा वाला, ठीक है, इतना तुम लोग सोच भी नहीं सकते जितना मैं सोच लेता हूँ। देख लो चारों तरफ पट्टी है, यहाँ भी ये पट्टी है, क्या गजब है ना, ठीक है, ये आइडिया है, साइंटिस्ट भी फेल है मेरे सामने। तो ये थ्योरम क्या कहते हैं, पहले थ्योरम समझा देता हूँ, लैंग्वेज आप खुद लिख लेना, ठीक है, बुक में हर जगह दिख रहा होगा ABC और एक पैरेलल DE। तो थ्योरम ये है कि DE पैरेलल टू BC, प्रूव दैट, ये प्रूव करना है, प्रूव दैट AD/DB
इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी, ये आपको प्रूव करना है थेल्स थ्योरम। अब कंस्ट्रक्शन थ्योरम में कंस्ट्रक्शन, अब यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल लेता हूँ, परपेंडिकुलर इसको चलो मैं पी कह लेता हूँ, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर यहाँ भी डाल लेता हूँ, इसको क्यू कह लेता हूँ, और इसको ज्वाइन कर लेता हूँ डी सी को। ये तुम खुद लिख लोगे, है ना, कंस्ट्रक्शन खुद ही लिख लोगे, मैं लिख ही देता हूँ। कंस्ट्रक्शन क्या है, ई पी परपेंडिकुलर टू किस पे, ए डी, क्योंकि थ्योरम है तो हर चीज़ अच्छे से लिखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। देखो वो जो दिख रहा भाई, ज्वाइन किसको किसको ज्वाइन किया है, ज्वाइन हमने किया है डी सी एंड डी ई को ज्वाइन कर लिया, जो किया भाई मैंने लिखा है, ठीक है। अब जरा एक काम करो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई बी, फार्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये वाला ऊपर वाला ट्रायंगल, इसका एरिया निकालना है, इसका एरिया। मैं अगर ये बेस लूँ तो मुझे ये वाला लेना पड़ेगा कि नहीं, परपेंडिकुलर, देखो 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है, तो हाफ इंटू बेस, बेस मैं लेता हूँ ए डी, तो हाइट क्या लेना पड़ेगा, ई पी, जानते हो, नीचे वाले का देखो डी ई बी, बेस में लेता हूँ हाफ इंटू बेस में लेता हूँ बी डी, तो हाइट क्या लेना पड़ेगा, देखो तो इस बेस के लिए यहाँ से हाइट, हाइट तो सेम ही हो जाएगा ना, अगर मान लो ये कोई ट्रायंगल है, ये कोई ट्रायंगल है ना, अगर मैं ये बेस लेता हूँ तो हाइट क्या लोगे, इस बेस पे ही लोगे ना। अब यहाँ से हाइट यहाँ से लेंगे, आपको पता है हाइट का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर जो है ना वो बाहर आके मिलेगा, तो फिर भी हाफ इंटू बेस ये लेना पड़ेगा, हाइट तो यही लेना पड़ेगा ना, हाइट जो बेस लेते हो उस पे परपेंडिकुलर, तो बाहर भी हो सकता है ना, तो देख रहो, तो अब ये देखो ये इसको देखो इसको देखो इसको देखो, अब यहाँ से इस बेस पे हाइट लेना है तो वो बाहर ही आएगा, पर हाइट तो वही हो गया ना, क्या हो गया ई पी, ई पी ई पी कैंसिल, हाफ हाफ कैंसिल, तो क्या हो गया ए डी अपॉन बी डी, दिस अपॉन दिस इक्वल टू हो गया फर्स्ट। सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल, उधर आ जाओ ए डी ई, फिर से ऊपर वाला लिया, अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी, डी ई सी देखो कौन सा लिया, एक ऊपर वाला और एक ये वाला, ये वाला, ये वाला, तो सिमिलरली मैंने लिख ही दिया, तुम खुद सोच लो वो क्या हो जाएगा, ए ई, इस बार मैं वो वाला बेस लेता हूँ ए ई अपॉन, ये क्या हो जाएगा ए सी, ये हो गया, ठीक है। अब जरा एक बात बताओ, अब इसको देखो, इस वाले ट्रायंगल को देखो, इस वाले ट्रायंगल को देखो, इस वाले ट्रायंगल को देखो, किस वाले ट्रायंगल को देख रहे हो, दिख रहा तुम्हें, होए मेरा बीच में मेरा मुंडी तो नहीं आ रहा ना, देखो जरा ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, है ना, दोनों का क्या है, बेस सेम है और दोनों ये पैरेलल है कि नहीं, ऑलरेडी ये पैरेलल गिवन है ना डी, ये तो क्वेश्चन में दे रखा ना, तो दोनों का बेस सेम है और दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच है कि नहीं, तो ऐसे जो ट्रायंगल होता सेम पैरेलल लाइन एंड सेम बेस पे, तो एरिया क्या होता, सेम होता, वैसे ही पैरेललोग्राम, ऐसे वाले पैरेललोग्राम जिसका बेस सेम होता है एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स, है ना, इक्वल इन एरिया। अब यहाँ पे देखो थोड़ा गौर से देखो, ट्रायंगल बी डी ई तुम देख रहे हो साथ में, एंड ट्रायंगल सी डी ई हैव सेम बेस, सेम बेस, कौन सा बेस, दोनों का बेस क्या है डी ई, एंड बिटवीन सेम पैरेलल, सेम पैरेलल्स, कौन सा डी ई एंड इसी के पैरेलल है कि नहीं, तो देयरफोर एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई, दोनों ट्रायंगल का एरिया सेम होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब इस फर्स्ट और सेकंड को देख रहे हो, फर्स्ट और सेकंड में ऊपर तो सेम ही है ना, ए डी ई, ए डी ई, नीचे अलग अलग था ना, नीचे अलग अलग था, और नीचे वाले का एरिया बराबर हो गया कि नहीं हो गया, बी डी ई देख रहे हो, और डी ई सी या सी डी ई कुछ भी कह लो, तो ये वाला एरिया बराबर हो गया, इट मीन्स द देयरफोर क्या फर्स्ट इक्वल टू सेकेंड हो गया कि नहीं हो गया, बताओ, क्योंकि ऊपर ऊपर सेम है, नीचे वाला ऑलरेडी सेम हो गया, क्योंकि बिटवीन सेम
बेस एंड सेम पैरेलल लाइंस, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, देयर फोर दिस अपॉन दिस, है ना, दिस इक्वल टू दिस, यहाँ पे मीटर या यहाँ पे लिख देता हूँ, देयर फोर क्या, देयर फोर ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी, है ना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना, ठीक है, आपके एन सी आर टी में हर जगह पे दे रखा होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। इसमें बेस्ड क्वेश्चन देखो क्या होते हैं, है ना, एक तो सिंपल सा दिया रहेगा कि भाई पता करो कि ये पैरेलल है कि नहीं, देखो क्या मैं बोल रहा हूँ, देखो जरा, एक ऐसा ट्रायंगल बना लेता हूँ, देखो जरा ये, और एक लाइन है ना ए बी सी, और ये यहाँ पे ऐसा दे देता हूँ ए बी इक्वल टू 20, है ना, और ये डी ई, ए डी इक्वल टू 8, देख रहे हो, और ए सी इक्वल टू ले लेता हूँ चलो भाई 15, एंड ए इक्वल टू 10, तो वेदर इज डी ई पैरेलल टू बी सी, है ना, अगर पैरेलल होगा ना तो हमें क्या करना है, पैरेलल, देखो समझ रहे हो क्वेश्चन को, ये वाला पैरेलल है कि नहीं, अभी आपने क्या पढ़ा, थेल्स थ्योरम, तो पहले मैं निकाल लेता हूँ ए डी अपॉन डी बी, निकाल लेता हूँ पहले, ए डी कितना है भाई, ए बी पूरा का पूरा कितना दे रखा 20, ए डी दे रखा 8, तो ये कितना हो गया 12, तो 8 बाई 12 तो क्या हो गया 2/3, उधर से निकाल लो ए ई अपॉन ई सी, अब बताइए तो ए ई कितना दे रखा ना 10, ई सी कितना दे रखा 15, तो ये भी क्या हो गया 2/3, तो आप क्या लिखोगे, है ना, सिंस ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, तो कन्वर्स ऑफ बी पी टी, उल्टा चल रहा है ना, तो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम या बी पी टी क्या हो जाएगा, डी ई पैरेलल टू डी ई पैरेलल टू बी सी, पहले तो ऐसा वाला सिंपल सा क्वेश्चन रहेगा, है ना, पूछेगा कि पैरेलल है कि नहीं है, दूसरा कुछ इस टाइप करेगा, मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन, खाली देखिए किस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, फिर आप एन सी आर टी से बना लेना या कहीं से भी बना लेना, ये वाला दिया हुआ है x माइनस 1, ये वाला दिया हुआ है x प्लस 2, ये वाला दिया हुआ है 2x माइनस 3, और यह दिया हुआ है 3x माइनस 6, ऐसा कुछ भी दिया हुआ है, साथ में दिया हुआ है कि डी ई पैरेलल टू बी सी, है ना, थेल्स थ्योरम पे सिंपल सिंपल से प्रॉब्लम्स मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है, फाइंड x, फाइंड x, अब देखो ऑलरेडी गिवन क्या है, डी ई पैरेलल टू क्या बी सी, तो क्या है, बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा ए ई अपॉन ई सी, होगा कि नहीं होगा बताओ, ठीक है, ए डी की जगह क्या रखोगे x माइनस 1, डी बी की जगह क्या रखोगे x प्लस 2, और यहाँ से क्या 2x माइनस 3 अपॉन क्या 3x माइनस 6, यहाँ से तुम क्वाड्रेटिक आ जाएगा, वहाँ से तुम x निकाल लेना, एक मैं बात बता रहा हूँ, ठीक है, इस तरीके से तुम x निकाल लोगे, क्योंकि यहाँ पे पैरेलल दे रखा, ठीक है, तो दोनों को इक्वल करने की प्रूव मत करना, बस इक्वल ऑलरेडी है तो वहाँ से x निकालोगे, तो इस टाइप का क्वेश्चन एक तो आएगा सिंपल सा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पे, ठीक है। एक और देखना ट्रेपेजियम वाले क्वेश्चंस, ये समझ में आ गया भाई, एक ऐसा दे रखा मान लो ट्रेपेजियम, ये देखो ए बी, समझिए आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ बीपीटी पे कि किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, एक और ये दे रखा, ये लो पी क्यू, अब यहाँ पे ट्रेपेजियम है तो ए बी पैरेलल टू डी सी, दो पैरेलल साइड तो होना ही है, और साथ में जो पी क्यू है ना वो भी पैरेलल है, ये गिवन है, है ना, बस ये जान लो, प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है ए पी अपॉन पी डी इक्वल टू बी क्यू अपॉन क्यू सी, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। सॉल्यूशन शुरू करता हूँ, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन आएगा, कंस्ट्रक्शन में आप एक आप डायगोनल खींच ही लीजिए कहीं पे, आप ऐसे भी खींच सकते हो, ये पॉइंट को मैं लेता हूँ ओ, ठीक है। अब आप ट्रायंगल ले लो, ट्रायंगल ए डी सी, कौन सा ट्रायंगल लिया मैंने, ए डी सी, है ना,
आपको देख रहे हो ये और ये पैरेलल दे रखा कि नहीं, तीनों आपस में पैरेलल है, तो ये वाला पैरेलल हुआ कि नहीं हुआ, पी ओ पैरेलल टू क्या डी सी, तो देयरफॉर बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम ए पी अपॉन पी डी इक्वल टू ए ओ अपॉन ओ सी, तुम मानते हो कि नहीं, दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस। अब आ जाइए ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी पे आ जाओ, देख लो कौन सा ए बी सी। अब ये वाला और ये वाला पैरेलल है कि नहीं बताओ जरा, ये वाला और ये वाला पैरेलल है, ओ क्यू पैरेलल टू ए बी, मानते हो, तो अगर ये पैरेलल है तो दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, है ना, तो क्या हो सकता है ए ओ अपॉन ओ सी, ए ओ अपॉन ओ सी इक्वल टू क्या हो जाएगा बी क्यू अपॉन क्यू सी, ये हो गया सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड को देखो आप, ए ओ अपॉन ओ सी ये दोनों सेम है ना, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड क्या बच गया ए पी, ए पी अपॉन पी डी इक्वल टू बी क्यू अपॉन क्यू सी, यही प्रूव करना था रे, हैंस प्रूव, ये देखो क्लियर, ये देखिए। अब और ध्यान से सुनो जरा, हमें पढ़ना है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, उस पर कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो देखो आप। एक और ट्रेपेजियम का क्वेश्चन मैं उठा रहा हूं, ठीक है, और दोनों डायगोनल को बना रहा हूं, ट्रेपेजियम एक ये है मान लो, एक ये है, है ना भाई, दिख तो नहीं रहा ट्रेपेजियम की तरह, मान लो मानियम किया जाता है ना, और एक ये है और दूसरा ये है, ओ ए बी सी डी, ठीक है, पट्टा यहाँ पे है, इसका मतलब विजिबल रेंज के अंदर है, आपका स्क्रीन के अंदर है, यहाँ पे देखा, सोच के सारा कुछ करने पे कितना फ़ायदा है। अब देखो क्या प्रूव करना है आपके सामने, क्या है ट्रेपेजियम है, तो गीवन के अगर ट्रेपेजियम है तो गीवन है ए बी पैरेलल टू डी सी, प्रूव दैट, देखो क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट ए ओ अपॉन ओ सी इक्वल टू बी ओ अपॉन ओ डी, क्लियर है। अब हम पढ़ रहे हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, यहाँ से एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, इसको पी लेट कर लेता हूँ, कंस्ट्रक्शन प्रूफ शुरू कर लेता हूँ भाई, सॉल्यूशन यहाँ से शुरू है, क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म है, यहाँ से यहाँ तक तो क्वेश्चन था, देख लो तुम, ये रहा क्वेश्चन प्रूफ, है ना, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन, पी ओ पैरेलल टू डी सी, ये इसके पैरेलल कर दिया, ये ऑलरेडी पैरेलल है तो जाहिर है ये किसके पैरेलल होगा, ए बी के भी पैरेलल होगा, बताने की जरूरत है क्या, दोनों पैरेलल था, तीसरा अगर किसी के पैरेलल हो तो तीनों पैरेलल है ना। अब जरा देखो ट्रायंगल ये लो, ट्रायंगल ए डी सी, मैं ना एक मिनट हटा रहा हूँ इसको, देखो किस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, ए डी सी की बात कर रहा हूँ, है ना, अब ये देखो ये और ये पैरेलल हो गया ना, तो दिस अपॉन दिस इक्वल टू, ये सब हटा रहा हूँ अभी, आप समझ जाओ खुद ही, पी ओ पैरेलल टू क्या हो गया डी सी, दिख रहा तुम्हें, तो देयरफॉर क्या ए पी अपॉन पी डी इक्वल टू ए ओ अपॉन ओ सी, काहे बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, थेल्स थ्योरम, है ना। अब मैं इसको फिर से ला रहा हूँ, अब आप इसको चलो फर्स्ट कह लिया, अब आप ट्रायंगल ले लो, ट्रायंगल ले लो ए बी सी, आप देखो कौन सा ए बी सी, ये सारे, अच्छा ए बी सी नहीं ए बी डी, सॉरी है ना ए बी डी, देखो कौन सा, क्योंकि मुझे ये वाला कॉमन रखना है ए बी डी, मैं इसको हटा लेता हूँ, आप देख लो कौन सा ए बी डी, अब ये और ये पैरेलल है पी ओ, पी ओ पैरेलल टू ए बी, तो देयरफॉर देयरफॉर ए पी अपॉन पी डी इक्वल टू
बी ओ अपॉन ओ डी का है बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ये हो गया सेकेंड। देखो जरा फर्स्ट को देखो सेकेंड को देखो, दोनों में क्या कॉमन है, ए पी अपॉन पी डी। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या हो गया भाई, ए ओ अपॉन ओ सी इक्वल टू बी ओ अपॉन ओ डी, हैंस प्रूव। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। ठीक है, देख लो ये दो क्वेश्चन और देख लीजिए, सिंपल से हैं ये, तो शायद एनसीईआरटी का है। ठीक है, मुझे तो गाने से बढ़िया गाना वाली ही लगी, है ना। अरे वो गाना वाली थी, वो कौन था, गाना गा रही थी या गाना गा रहा था, ये चेक करो भे, चेक करो चेक करो। है ना, लो लो और कन्फ्यूजन बढ़ ही गया, था या थी, निर्भय भाई पागल हो जाएंगे वैसे तो। चलो जाने दो, पी क्यू पैरेलल टू सी बी, पी क्यू कहें पी क्यू पैरेलल टू सी बी किधर है, ये देखो ये दोनों पैरेलल है, समझो बात को। ठीक है, अब ये पैरेलल है ना, तो आप ट्रायंगल, आप बीपीटी पढ़ रहे हो तो कौन सा ट्रायंगल में दिख रहा है ये सारा का सारा हरकत, इस वाले ट्रायंगल में दिख रहा है ना, तो पहले उसका फ़ायदा उठाते हैं। वो देखो पी क्यू पैरेलल टू सी बी, तो ट्रायंगल कौन सा लूँ, ए बी सी है ना, पी क्यू या क्यू पी पैरेलल टू क्या बी सी, तो देयरफोर ए क्यू अपॉन क्यू बी इक्वल टू ए पी अपॉन पी सी। ये हो गया फर्स्ट, है ना। फिर और क्या दे रखा उसका, देखो पी आर पैरेलल टू ये वाला पैरेलल है ना, तो कौन से वाले ट्रायंगल में आ रहा, इस वाले ट्रायंगल में आ रहा, तो देखो तो ट्रायंगल कौन सा, ट्रायंगल ए डी सी है ना। क्या दे रखा, पी आर पैरेलल टू सी डी, तो देयरफोर क्या ए पी अपॉन पी सी इक्वल टू ए आर अपॉन आर डी, है ना। अब ये जो भी लिख रहा ना, तो अब इसके साथ रेफरेंस दोगे ना क्या, बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ये तो बनता है ना भाई। अब जरा देखो तो फर्स्ट और सेकेंड को देखो, ए पी पी सी, ए पी पी सी, तो फर्स्ट एंड सेकेंड को देखो, फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो गया, ए क्यू अपॉन क्यू बी इक्वल टू ए आर अपॉन आर डी। अब आप ढूंढो ए आर अपॉन ए क्यू अपॉन क्यू बी इक्वल टू ए आर अपॉन आर डी, वही प्रूव करना था। लो मैं सोच रहा था कुछ और करना है, हो तो गया प्रूव, हैंस प्रूव, हैंस प्रूव। ठीक है, इसको देखिए सेकेंड वाला क्वेश्चन को, ये समझ में आया भाई। सेकेंड वाला क्वेश्चन आपने पहले वीडियो को रोक के क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लिया करो, अगर मैं कोई क्वेश्चन यहाँ पे बता रहा हूँ ना, तो रोक के आप पहले क्वेश्चन देख लो क्या है। ठीक है, अब मैं क्या कि मैं आपको ऐसे रोक तो नहीं सकता ना, फालतू का डाटा जाएगा मेरा भी तुम्हारा भी। ये देखो अब यहाँ पे क्या है, यहीं लेके चलते हैं, फालतू का बना हुआ है। ये देखो क्या है, ए डी और बी ई सेम है, ए डी इक्वल टू बी ई दे रखा है ना, देख रहा हूँ ए डी इक्वल टू बी। अब दोनों में मैं ऐड कर लेता हूँ, ये गिवन है ना, ये गिवन है, दोनों में ऐड कर लेता हूँ, डी ई ऐड कर लो, इधर भी डी ई और इधर भी डी ई ऐड कर लेता हूँ, ये दोनों इक्वल है, तो नतीजा क्या हुआ, ए डी प्लस डी ई ऐड करो, ए डी प्लस डी ई ए ई और इधर बी ई देख रहो डी ई क्या हो गया बी डी, ये दोनों भी इक्वल हो गया। ठीक है, चलो इसको फर्स्ट मान लेता हूँ फिलहाल, ये दोनों इक्वल है, सिंपल सी बात है, ये और ये इक्वल है, दोनों में ऐड करेंगे तो ये वाला इक्वल होगा। अब क्या दे रखा उसका फ़ायदा उठाइए, है ना, डी पी पैरेलल टू बी सी, ढूंढो डी पी पैरेलल टू बी सी, तो दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस करेंगे ना, बी पी टी यूज करके बोलो, दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, सारा मिटा दें या दिख रहा वैसे ही, तो
ट्रायंगल कौन सा लें, ट्रायंगल ऊपर से शुरू करो ए बी सी, है ना, क्या गिवन है भाई, यहाँ पे गिवन है डी पी पैरेलल टू बी सी, तो बाई बी पी टी, बार बार फालतू का लिखना तो पड़ेगा, क्या करेंगे, तो ए डी अपॉन क्या डी बी इक्वल टू क्या रे ए पी अपॉन पी सी, ये हो गया फर्स्ट बाई यूजिंग बी पी टी। अब और क्या दे रखा, ई क्यू और ए सी, ई क्यू और ए सी देख लो, तो दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस होगा, पहले इधर वाला लेंगे, तो फिर से ट्रायंगल वही वाला लेता हूँ, कौन सा बी ए सी, तुम देखो ढंग से, है ना, ई क्यू पैरेलल टू ए सी, तो यहाँ से क्या होगा बी ई अपॉन, मैं एक काम करता हूँ ए डी, है ना, हाँ चलो बी ई अपॉन ई ए इक्वल टू बी क्यू अपॉन क्यू सी, ये हो गया सेकेंड। अब तुम्हें देखो फर्स्ट और सेकेंड को बराबर करना है, ए डी है और बी ई है, ए डी और बी ई इक्वल है, वो ऑलरेडी गिवन है, देख लो दे रखा, इधर आ गया डी बी नीचे, डी बी देखो और ई ए, ये ऑलरेडी बराबर है, आप यही तो था फर्स्ट, है ना, अच्छा ये सेकेंड होगा और ये थर्ड होगा, बताओ। अब लड़ा देखो ए डी इक्वल टू बी ई, मैं इस पर कंसंट्रेट कर रहा हूँ, ये गिवन है, और डी बी, डी बी इक्वल टू ई ए, ये ऑलरेडी आ चुका इक्वेशन फर्स्ट से, तो क्या हुआ इसका मतलब सेकेंड और थर्ड, अब ये दोनों और ये दोनों सेम हो गया ना, तो सेकेंड देयरफोर सेकेंड इक्वल टू थर्ड हो गया कि नहीं हो गया, अब सेकेंड पे आ जाओ ए पी अपॉन पी सी, ए पी अपॉन पी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से बी क्यू अपॉन क्यू सी, बी क्यू अपॉन क्यू सी आ गया। प्रूव कुछ और करना है तो ढूंढते हैं ए पी कहाँ पे, किधर है रे ए पी, ए पी है ना अपॉन क्या पी सी इक्वल टू क्या देख रहे हो बी क्यू, किधर गया बी क्यू अपॉन क्या क्यू सी, ठीक है, सारे को हटा के जरा देखो तो क्या नज़र आ रहा है ए पी अपॉन पी सी इक्वल टू बी क्यू अपॉन क्यू सी, ऐसे कह सकते हैं सी पी अपॉन पी ए इक्वल टू सी क्यू अपॉन क्यू सी, तो समझ रहे हो ना बात को, तो देयरफोर बाई कन्वर्स ऑफ बी पी टी, कन्वर्स ऑफ बी पी टी, तो क्या हो गया यहाँ से साफ हो गया कि पी क्यू किसके पैरेलल है ए बी के पैरेलल है, ठीक है। क्वेश्चन थर्ड देख रहे हो, है ना, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन थर्ड को देखो फिर से, देखिए कैसे बन रहा है, फिर से मैं बताऊँ, वीडियो रोक के आप क्वेश्चन को देखो, और हो सके तो आप बनाने की कोशिश भी कीजिए, है ना, बनाने की कोशिश करो तो अच्छी बात है, फिर जाके सॉल्यूशन देखना, मैं तो अपने आप को रोक नहीं सकता। देखो जरा डी ई, ठीक है, पहले क्या दे रखा डी ई पैरेलल टू ए बी, इसका फ़ायदा उठा है डी ई पैरेलल टू ए बी, तो किस ट्रायंगल में लिखना पड़ेगा, मजबूरी है भाई सी ए बी में, है ना, तो क्या सी डी अपॉन डी ए इक्वल टू सी ई अपॉन, क्यों लिखा आपको पता है ना, क्योंकि वो पैरेलल दे रखा डी ई पैरेलल टू, ये मैं लिखना नहीं चाह रहा था, ये देखो चलो ये हो गया फर्स्ट। अब फिर और क्या दे रखा एफ ई पैरेलल टू डी बी, कहाँ है एफ ई पैरेलल टू डी बी, कौन से ट्रायंगल में, ट्रायंगल यहाँ से यहाँ तक ख़त्म, ये देखो इसी में ये सारा दे रखा, कौन से ट्रायंगल में, ट्रायंगल सी डी बी में, एफ ई पैरेलल टू क्या है डी बी, तो आपको पता है ना सी एफ, सी एफ अपॉन एफ डी इक्वल टू सी ई अपॉन ई बी, देख रहो ये हो गया सेकेंड, हो गया फर्स्ट। अब जरा एक बात बताइए सी ई अपॉन ई बी, तो फर्स्ट इक्वल टू सेकेंड हुआ कि नहीं हुआ, तो सी डी अपॉन डी ए इक्वल टू सी एफ अपॉन एफ डी, क्लियर है ना, जो प्रूव करना है ना इसका रेसिप्रोकल करो, रेसिप्रोकल उल्टा डी ए अपॉन सी डी इक्वल टू एफ डी अपॉन सी एफ, फिर दोनों तरफ ना वन ऐड कीजिए, वन सी डी प्लस वन इक्वल टू एफ डी, ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन लिया था इस बार, ऐड करो डी ए प्लस सी डी अपॉन सी डी एफ डी प्लस सी एफ अपॉन सी एफ, अब ज़रा बताइए तो ऐड करो तो कितना हो गया, देखो तो डी ए प्लस सी डी
डी ए प्लस सी डी, ए सी लिख दूँ इसको, ए सी अपॉन सी डी। उधर देखो एफ डी प्लस सी एफ किधर है, एफ डी प्लस सी एफ को सी डी लिख दूँ, सी डी अपॉन सी एफ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो सी डी स्क्वायर, तो सी डी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया वो, मैं पट्टी को मुझे ध्यान है, पट्टी यहाँ से यहाँ तक आ गया, हाँ दिख रहा दिख रहा भाई, ए सी इंटू सी एफ, हैंस प्रूफ। ठीक है, यही प्रूफ करना था ना, ठीक है, सी एफ इंटू ए सी। सेकेंड वाला आपके एन सी आर टी का है, बड़ा इंपॉर्टेंट है सेकेंड वाला, पहले इसको देख लो आप। सेकेंड वाला आपके एन सी आर टी का है, और ऐसा ही क्वेश्चन हमने अभी थोड़ी देर पहले प्रूव किया था, इसका उल्टा था। उसमें क्या था, एक ट्रेपेजियम था, देख लो इसको, ट्रेपेजियम था है ना, और यहाँ पे हमें ये प्रूव करना था, अभी ये गिवन है तो प्रूव करना है कि ट्रेपेजियम पहले वाले क्वेश्चन का जस्ट उल्टा, हमने जो शुरू में कराया था ना ट्रेपेजियम से रिलेटेड, ये देखो इसका जस्ट उल्टा, देख रहे हो, आपको प्रूव करना है ट्रेपेजियम है, तो ट्रेपेजियम अगर प्रूव करना है तो पहले दिखना चाहिए कि ये क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल का कोई वन पेयर ऑफ साइड्स अगर पैरेलल हो गया ना तो अपने आप क्या हो गया, ट्रेपेजियम। तो मुझे ना ये और ये पैरेलल प्रूव करना है बस, और कुछ नहीं करना है, ये गिवन है ना। कंस्ट्रक्शन कर लेता हूँ, कंस्ट्रक्शन में इसको ज्वाइन कर लो, ओ पी है ना इसका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है भाई एन सी आर टी का, कंस्ट्रक्शन ओ पी ड्रॉ किया पैरेलल टू डी सी, तुम देख लो ये और ये पैरेलल कर दिया, ये और ये क्या कर दिया, पैरेलल कर सकते हैं कंस्ट्रक्शन में, हमें ये दोनों को पैरेलल प्रूव करना है तो अपने आप हो जाएगा ट्रेपेजियम। तो ट्रायंगल कौन सा लोगे, ट्रायंगल लोगे ए डी सी है ना, पी ओ पैरेलल टू क्या है, डी सी, इंपॉर्टेंट है बड़ा ध्यान से सुनना, देयरफॉर ए पी अपॉन पी डी इक्वल टू ए ओ अपॉन ओ सी, ये फर्स्ट क्या यूज किया मैंने, डी पी टी। ठीक है, अब आ जाओ जो गिवन है उस पर आ जाओ, गिवन क्या है, ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल टू ओ सी अपॉन ओ डी, यहाँ पे ए ओ अपॉन ओ सी ऐसे करें, इसको बोलते हैं ऑल्टरनेंडो, ए ओ देयरफॉर ए ओ अपॉन है ना भाई ऑल्टरनेंडो, तो बी ओ उधर चला गया, बी ओ अपॉन ओ डी, इसको मैं सेकेंड कह लेता हूँ, फर्स्ट को देखो सेकेंड को देखो, ए ओ अपॉन ओ सी, ए ओ अपॉन ओ सी, देयरफॉर क्या हो गया, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड से ए पी ए ओ अपॉन ओ सी, तो ये बच गया, तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ, फर्स्ट में ए ओ अपॉन ओ सी, सेकेंड में तो बचे हुए को बराबर कर लें। अब देखो जरा, ढूंढो ए पी अपॉन पी डी, ए पी अपॉन पी डी, ढूंढो बी ओ अपॉन ओ डी, बी ओ अपॉन ओ डी, अगर मैं ये अगर हटा देता ना, ये अगर मान लो नहीं होता ना, तो जरा सोचो इस ट्रायंगल के बारे में सोचो, इस ट्रायंगल के बारे में सोचो, क्या निकल के आ गया, निकल के आ गया ए पी अपॉन पी डी इक्वल टू बी ओ अपॉन ओ डी, तो ये और ये बराबर है, तो कन्वर्स ऑफ बी पी टी, अगर ये बी पी टी क्या कह रहा है, ये और ये पैरेलल होता ना, तो दिस अपॉन दिस दिस, अब यहाँ पे ऑलरेडी ये दे रखा तो पैरेलल हो गया कि नहीं हो गया, तो जरा देखो सुनो, देयरफॉर बाई कन्वर्स ऑफ, बाई कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, तुम समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, तो पी ओ पैरेलल टू क्या हो गया, ए बी। अब जरा देखो ऑलरेडी क्या था, पी ओ किसके पैरेलल था, डी सी, सिंस क्योंकि ये हमने लिया था बाई कंस्ट्रक्शन, बाई कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन से ऐसे ही हुआ था ना, और यहाँ से पी ओ किसके पैरेलल हो गया, ए बी, ऑलरेडी प्रूव्ड हो चुका अभी अभी थोड़ी देर पहले, तो देयरफॉर यहाँ से क्या हो गया, दोनों भी पैरेलल हो गया कि नहीं, ए बी पैरेलल टू क्या हो गया, डी सी, देयरफॉर क्या हो गया, ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम, ये हो गया। सुनो मेरी बात, एन सी आर टी का ए टू जेड बना लेना, मैं उसका सॉल्यूशन भी भेज दूंगा एन सी आर टी का, अगर ज्योमेट्री अगर पढ़ रहे हो ना तो एन सी आर टी का सारा बना लेना चाहिए आपको, एन सी आर टी छोड़ना नहीं, ज्योमेट्री का एन सी आर टी का ए टू जेड बना लेना, और अगर वन मार्क्स का कहीं पे दिख जाए ऑब्जेक्टिव आर एस अग्रवाल वगैरह में या कहीं भी, हालांकि मैं भी दे दूंगा वैसे काफ़ी है, तो वो एक एक बना लेना। एंड तो आप अगर ज्योमेट्री पढ़ रहे हो ना तो कोई और बुक मत देखो, एक तो एन सी आर टी बना लो, और मैं जो ऑब्जेक्टिव दूंगा ना तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करना, और मेरे से पूछ भी लेना, ठीक है, चलिए।